तो आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे होपफफुलिस आपको थोड़ा एहसास होगा इससे कि भाई जो हमने ताम जम किया था रेजोल्यूशन को लेके वो आपको कितना मदद करता है जब आपको वैक्टर्स को ऐड करना हो वैक्टर को जोड़ना हो आपके पास तीन वैक्टर दिए हुए ए बी और सी ए क्या है फोर ए फोर आई माइनस जे आई क्या होता है यूनिट वैक्टर एक्स डायरेक्शन में जे क्या है यूनिट वैक्टर वाई डायरेक्शन में तो फोर आई माइनस जे क्या होगा फोर यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन चार और माइनस जे क्या हो माइनस वन इन जे सो ये पॉइंट हो जाएगा राइट तो ये आपके पास ए वैक्टर हो गया सिमिलरली आपका बी वैक्टर क्या है माइनस थ्री आई प्लस टू जी वो समवेयर यहां पे होगा सी क्या माइनस थ्री जी तो वो ये वैक्टर हो जाएगा आपका राइट तो आप सवाल ये किया जाता है आपको भाई पता करो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा अगर हम माने कि ए प्लस बी प्लस सी कोई वैक्टर आ रहा है तो क्वेश्चन है कि भाई आर वैक्टर को निकालो कहां पर होगा आर वैक्टर तो जब हम वैक्टर एडिशन की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि मोटे मोटे तौर पे आप आ, वेक्टर्स को दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो उसके बारे में बात कर, कर सकते हो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो पहला तरीका था कि भाई अगर आपके पास इसका मैग्नीच्यूड कितना बड़ा है और थीटा पता हो तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो उस वैक्टर को यहां पर अपने को इसका मैग्नीच्यूड भी नहीं दिया गया थीटा भी नहीं दिया गया तो दूसरा तरीका क्या था अगर आपको उस वैक्टर के कॉम्पोनेट पता है एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट यानी रेजोल्यूशन के बाद एक्स कॉम्पोनेंट क्या होता है यहाँ से परपेंडिकुलर किया ये एक्स कॉम्पोनेंट हुआ यहाँ से प्रपेंडिकुलर डाला यहाँ पे ये वाई कॉम्पोनेट हुआ अगर आपके पास एक्स और वाई कॉम्पोनेट पता है तब भी आप उस वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चार और माइनस एक क्या है चार एक्स कॉम्पोनेंट है माइनस एक माइनस एक या वाई कॉम्पोनेंट है तो यहाँ पे हमको एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स खुद ब खुद दिए हुए हैं राइट तो यहाँ पे इस वेक्टर को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग उसके कॉम्पोनेंट्स के थ्रू डिस्क्राइब कर रहे हैं एक बात अगर आप याद करोगे एक और जब वैक्टर रिलेशन की बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि अगर आपके पास बहुत सारे वैक्टर्स दिए गए हैं उनको अगर आपको ऐड करना हो अगर किसी तरह से आप हर एक वैक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं उसके कॉम्पोनेंट्स में तो एडिशन के लिए आपको सिर्फ सभी वैक्टर्स के एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड करना पड़ेगा सभी वैक्टर्स के वाई कॉम्पोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा तो आपके पास रिजल्टेंट वैक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट आ जाएगा और वाई कॉम्पोनेंट आ जाएगा और वही हम यहाँ पर करेंगे जो आपका रिजल्टेंट का जो एक्स कॉम्पोनेंट होगा आर एक्स सभी इन वैक्टर्स का जो एक्स कॉम्पोनेंट उसको ऐड कर लो क्या हो जाएगा चार माइनस थ्री जीरो वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री आपके पास आ गया आर एक्स क्या गया? एक आ गया आर वाई क्या गया माइनस टू आ गया आपके पास एक्स और वाई कॉम्पोनेंट हो गया रिजल्टेंट का तो आप डिस्क्राइब कर सकते हो ग्राफ पे कहां पे आएगा एक और माइनस तो यहां पे आएगा तो ये आपका क्या आ गया रिजल्टेंट आ गया ठीक है क्योंकि अभी आपके पास एक्स कॉम्पोनेंट भी है वाई कॉम्पोनेंट भी है तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो अगर आपको एक स्टेप और आगे जाना है और पता करना है कि इसका मैग्नीच्यूट क्या होगा वो भी आप इजली पता कर सकते हो मैग्नीच्यूट क्या था एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वेयर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वेयर स्क्वायर रूट वही हमने यहाँ पे किया ए स्क्र प्लस माइनस टू का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट माइनस तो स्क्वायर रूट ऑफ फाइव एक आपको एक और स्टेप और जाने का अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है थीटा पता करना है थीटा अगेन थीटा क्या होता है थीटा होता है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंटर क्लॉक वाइज ये थीटा होता है वो क्या होगा वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट आर वाई बाई आर एक्स वो कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा थीटा तो तो कितना है टू नाइन्टी सेवन डिग्री तो आप देख सकते हो कितना ईजी हो जाता है अगर आपको वैक्टर रिजॉल्व हैं आप तो एडिशन वैक्टर्स को जोड़ना बहुत ईजी हो जाता है अगर आप सेम ही प्रॉब्लम को अगर आप अपने ज्योमेट्रिक तरीके से सॉल्व करने की ट्राई कर रहे होते यानी अपना ट्राइंगल रूल लगाने की कोशिश कर रहे होते या फिर पैलेलोग्राम रूल लगाने की कोशिश तो इतना आसान नहीं होता ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच पे टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक यू शुक्रिया